मोर राम। हाँ शांत रहिए। कसम है वतन की हद पग न पीछे, कसम है वतन की हद पग न पीछे, सजा लो शहीदी जवानों की टोली, खुलेआम खेलो सदा संकटों से, सबूतों न भूलो ये जय हिंद बोली, गगन में दनी भानु चलदा सितारे, तुम्हारे शिखर पे लगा लेंगे रोली, हटे जो शहर गिजन नबीरों समर में, बरसती रहे चाहे सीने पे बोली। के रहले सीमावा पे करनल राजेश, खुशिया में छुटिया से अले भवन, सदिया के पाई के संदेश, शादी का संदेश पाकर प्रेमियों घर आए तो भाव राम के सिहराम सजत रहे, बजनाम बजत रहे, साजत रहले डोलिया कहार, माई आपन ललनाम परिचहु न पवनी, आई गई ले सीमा से तार। ये बीच में आप लोग की तैयारी हो रही थी, देखें ये शादी की तैयारी हो रही थी, राजेश दुल्हा बनने वाला था, तब तक तार आ गया, लिखा था मेरे देश के जवानों पत्र पाते ही पाते जल्द से जल्द चले आना, देश की लाज तेरे हाथ तेरे भैया, पत्र पाते ही पाते चले आना, ये तार पाया है राजेश। थोड़ा सा सारांश उस तार का जो है अपनी माँ को बता रहा है, सुना रहा है कि माँ देश सेवा के लिए एक पत्र आया है, मैं कहे के देश पे धावा बोला है बादी, लाज बचाने आवो तुहाली, मेरे जवानों तेरा तकाजा सर पे बधा लो जंगी रुमाली, था चढ़ा है पाकिस्तानी छलिए से ना मानी, जवानों आया मौका झुका दो दे के झोंका, तान के मारो गोली छान लो जंगी, छान के जर्रा जर्रा कुचल दो करके। एक बात बड़ी बेजोड़ लिखल काम, दीप जला के ईद मना लो चाहे दिवाली, मेरे जवानों तेरा तकाजा सर पे बधा लो जंगी रुमाली, जंगी रुमाली। माँ से छुट्टी मांगता है जवान राजेश, कहता है माँ देश सेवा के लिए ये पत्र आया है छुट्टी दे। मुस्कुराते हुए माँ कहती है इधर बारात में जाने की तैयारी हो रही है, सब लोग तैयार हैं, खाने पीने का क्रम चल रहा है, दुल्हा बनने वाला ही राजेश है अब। तब तक कहता है कि माँ देश सेवा के लिए छुट्टी दे। उस समय मुस्कुराते हुए माँ कहती है कि वाह वाह पागल है तू, देश सेवा के लिए छुट्टी मांगी जाती है। अरे बेटा पहला कर्तव्य होता है देश सेवा,
जब देश सेवा कर जीवित रहेगा तो शादी तो बार बार होती रहेगी, बाद में आना हो जाएगी शादी। जब देश सेवा कर, वाह वाह कितना लगाव था उस माता का धरती माँ से, अपने देश से, अपने इकलौते पुत्र को शादी से छुड़ा करके प्रेमियों तिलक लगाते हुए माँ देश सेवा में विदा करती है। कैसे विदा करते हुए एक बात कहती है तर्ज भाई, हाँ वही तर्ज, एक माता बहन गावेलिन काम के डरिया निबिया के डरिया अम्बैया नावली झालू बाबा हो मैया मोरी गावे कितिया हो की झूली झूली ना हो की झूली झूली ना हो की झूली झूली ना। एक थे दुल्हन बिया परदेसी रहल, पत्र लिख लिख के भेजत बा, लिखे का के बरहे बरिशवा से, बरहे बरिशवा से अब गई ना पार जे समान लहा कहिया आई बाबा, ए बलमा कहिया आई बाबा, ए सैया कहिया आई बाबा, मोरे राजा कहिया आई बाबा, ता हमारी चढ़ल बा जवनिया राजा कहिया आई बाबा, अपने बेटे से कहती है मेरे लाल जा शौक से जा देश सेवा कर, शादी लौट कर आना तो हो जाएगी। वाह वाह तिलक लगाते हुए कहती है कि बेटा जा मगर एक मेरी बात सुनते जा, के देशवा के सनावा, देशवा के सनावा अब बचाई हा मोरे सुगनावा, ला 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 बागी बनके मोरे बचवा बागी बनके तले हाथे लिया के जनवा ललना बागी बन के जाना। बेटा आखिर में तिलक लगाते हुए शादी से छुड़ा कर बेटे को देश सेवा में भेज रही है माँ, मगर जरा सा भी चेहरे पर सिकुड़न नहीं है। कहती है कि बस मेरा यही कहना है मेरे लाल कि मेरे दूध की लाज बचाना। बाबूजी कहते हैं बेटा आखिरी ख्वाहिश हमारी यही है कि लड़ते समय सीने में गोली खाना रे लाल, शेरों की मौत मरना ना कि पीठ में गोली खा करके कायरों की मौत। उस समय माँ कहती है कि बेटा जाम अब देर मत कर, भारत माँ इंतजार में पड़ी है। कहती क्या है माम के माता जो है रहिया, माता जो है रहिया अब आई है मोरी सिपहिया, बचवा बागी बनके ये बेटा बागी बनके तले हले हाथे में बनवर ललना बागी बनके राजेश तैयारी कर लिया अब चलने ही वाला है। माँ का पैर पकड़ता है, पिताजी का पैर पकड़ता है और माँ से अंत में दुआएं मांगता है कि माँ आशीर्वाद दे तेरा बेटा विजयी हो। उस समय माँ अपने बेटे की बात सुनकर प्रफुल्लित हो जाती है और कहती कि बेटे अभी आशीर्वाद देने में कसर है तो सुन ले ले आशीर्वाद फिर से। जाते समय कहती है तर्ज वही बाम, अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे, अरे राखी के बंधन तो निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन तो निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन तो निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भुलाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भुलाना भैया मेरे।
बंधन तो निभाना भैया किला ले ला आशीर्वाद। अरे बेटा मेरे, अरे बेटा मेरे, अरे विजयी पता का फहराना बेटा मेरे, विजयी पता का फहराना बेटा मेरे, अरे पीछे कदम ना हटाना हटाना बेटा मेरे, अरे रण में विजय श्री तू पाना रे पाना बेटा मेरे, अब विजयी पता का फहराना बेटा मेरे, विजयी पता का फहराना बेटा मेरे, विजयी पता का फहराना बेटा मेरे। चल दिया हम राजेश शादी छोड़ करके, गाने का शीर्षक बताया हम कफन और डोली। तो कहना है अब तक आ जा कर डोली रह गई, अरे कंगन तोड़ से रसर कफन सही दिशा चलता है राजेश। तो अटल भावना जाग पड़ी, रण रंगा सीना तान चला, उठा लिया बंदूक हाथ में, अब करता हुआ तूफान चला, तबला शहीदी हथेली जान चला, उठा लिया बंदूक चल दिया सीमा पे, जब चला है तो कहना है क्या पाकिस्तानी टैंक जहाँ पे उगल रहे रंगाराम, तब पहुंच गया राजा उसी मोर्चे पर भी रजुझारा, अब तक आ जा कर डोली रह गई, अरे तपथा हथ गोला ले कई बार अंदाजा बदल गई के पहन चली तीन रंग की चोली, तो गरज के अरे तेरा देवरिया वाला, गरज के तेरा देवरिया वाला, अपन अपन लाइट आप लोग बुझा दें, ऐसे हमके भी लौके लगी समाज में। तो जय हिंद नारा लगा के बहादुर, खुद अपना मत वाला, गरज के शेर देवरिया वाला, गरज शुरू हो गई। तो हथगोला टैंकों के चिमनी में छोड़ा, ऐसे बहादुर ने दो टैंक तोड़ा, मारा धरा धरा दुश्मन पे गोली, अब फूटा लहू के नाला, गरज के चल दवरिया वाला, दुश्मनों की फौज धीरे धीरे पीछे हटने लगी। सब जवान जो है वापस हुए, फौज पीछे हटने लगी, जवान आगे तक तिरंगा बढ़ाया फहरा करके, लड़ाई वहीं समाप्त हुई। अब राजेश करता क्या है, एक पत्र लिखता है अपने घर पे माँ बाप को, लिखता है कि माम शादी तो लड़ाई तो समाप्त हुई, हम भारतवासी विजयी हुए, देख मैं चाहता हूँ कि तेरी इच्छा अनुसार अब शादी भी हो जाए, जैसी कि तेरी इच्छा थी। तो यहाँ तर्जमा एक लाइन, एक लाइन नमूना सुने, अब ससुरे में ससुरे है, अब नहीं हर में भाबू जी या माई हम कहाँ भाऊजी जा माई हम कहाँ,
की हम कहाँ जाएं। या एक पत्र लिखत हुए राजेश के खुशियां में सीमावा से, अरे लिखा जाना चिट्ठिया हमारे बाबूजी, अरे लिखा जाना चिट्ठिया हमारे बाबूजी, लिखा जाना चिट्ठिया हमारे बाबूजी, शादी दिहाय गहर हमारे बाबू, हो शादी बिहाय गहल में धरा हमारे बाबू। पत्र भेज देता है जवान, बाबूजी मालूम कीजिएगा कि शादी का डेट निर्धारित करके मुझे पत्र दीजिएगा, सारी तैयारी हो जाए। हाँ। लिखा था उसमें, अरे लिखवा ए मुन्ना रखाया खूब बाबू शुभ दिनावा, ओही दिन सीमावा से आई वह भवाना। एक काम और करिया, कनवता पठाना ही तमीत के भवानावा हमारे बाबू, अरे मीत के भवाना हमारे बाबूजी। पाती पाकर घर वाले शादी का रचे विधान, अब पाके मौका सीमा पे चढ़ी आया पाकिस्तान, अब तक आ जा कर चडोली रह गई। जवान पत्र तो भेज दिया मगर पाकिस्तानी फौज दोबारा मोर्चा पकड़ ली। सोचने लगा किधर जाऊं, शादी के लिए घर जाऊं या देश सेवा के लिए मोर्चे पर, दो दो मंजिल है सामने। सोच रहा है किसको प्राथमिकता दे, तर्क वितर्क में लगा है। आखिर में सोच लिया देश सेवा अपना परम कर्तव्य है, किया क्या, अब तक आ जा करे ते डोली रह गई। अरे तब पहुंचा शेर समर में बजा जुझारू बाजा, पहुंच गया मोर्चे पर और किया क्या, अब लगा के पत्था, अरे लगा के पत्था बल्द मातर मनरवा से रवा भारत के, और लगा छोड़ने गोली के बउछा रवा से रवा भारत के, मारला जवान तब साधी के निशानवा हो, मार के गिराया रण में तेरा दुश्मनवा हो, अकेले तेरा दुश्मनों को मार गिराया। फौज थोड़ा सा पीछे हटी दुश्मनों की, जवान हाथ में तिरंगा ले लिया, चल दिया आगे। तो कहना है के चला है जवान बोली जय हिंद बोलिया हो, और ये तने में सीनावा में लागल सात गोलिया हो। जवान जो ही तिरंगा लेकर आगे बढ़ाम, प्रेमियों भाग्यवश दुश्मनों की सात गोली मेरे देश के उस लाडले के सीने में उतर आई, गिर पड़ा धराशायी हुआ। एक दोस्त दौड़ कर आया, उठा लिया, अरे राजेश भैया गोली लग गई तुझे, घायल हो गया। फिर भी मुस्कुराहट है चेहरे पर राजेश के, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराते हुए कहा कि भैया गोली तो लग गई, घायल तो हो गया, मगर एक बात है, तो दोस्त है मेरा नाम, दोस्त रहने के नाते कह दे रहा हूँ, देख जे संदेश मेरे घर तक पहुंचा देना। कौन सा संदेश, कहा राजेश मरते समय अपने दोस्त से घर के लिए, के साथी हो मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, शादी है मेरी काली भवन पे लाश मेरी पहुंचा देना, कह देना मेरी माँ से
एक संदेश मेरी माँ से इतना जरूर कह देना कि मारा हुरण में तेरा दूसरू मन माता को समझा देना। अब राखा हूँ सिके दूध की लाजा रोने से पहले बता देना। मेरी माता जी से कह देना तेरा दुश्मनों को मार गिराया हूँ शांति भैया, और हम कह देना कि तेरा बेटा तेरे दूध की लाज बचा के गया है, अकेले दो टैंक थोड़ा तेरा दुश्मनों को मार गिराया। और मेरे बाबूजी से क्या कहना, क्या खा रहूं सातो सीने में गोली बाबू को समझा देना। अगर विश्वास उन्हें तो सीना खोल दिखा देना। मेरे बाबूजी से कह देना कि आपका बेटा लड़ते समय शेरों की मौत मरा है सीने में गोली खाकर, हो सकता है मेरे पिताजी को विश्वास न हो तो मेरी लाश से कफन हटाकर दिखा भी देना। इसके बाद लाश मेरी दिखलाने के, लाश मेरी दिखलाने के शादी के साज सजा देना। इतना कहते ही राजेश किया क्या तय बढ़ा डाल हाय, अरे इतना कहत जवान तजले परनवा अलसिया परोवे साथी आसिया बहाया। ए हमर भावा नावा परछाई खुशी हाल शादी के साज गजल रहल सब सजाया। शादी के पूरी तैयारी बा, राजेश अवते हुई हन, हित मीन संगीत साथी सब लोग दरवाजे पर इकट्ठा हों। माँ लोगों से कहती है कि भैया आप लोग तैयार रहिए, मेरा बेटा आएगा, तुरंत दुल्हा बना के उसे विदा कर दूंगी। इतनी तैयारी में है, इतनी तैयारी में है माम के कर बदला लाना कमाई पारी छानावा हरी रहली हुआरे पर अशरा लगाया बीतली समैया राजेश नहीं आई बहिनी बिरानावा के दोहर कदा। परीक्षण के लिए माँ तैयार है, अब घबराने लगी, काफी समय हो गया कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है न कोई संदेश आया, घबराने लगी माँ। उस समय बहन पहुंचकर कहती है कि माँ घबरा रही है तू, ये सोच रही कि राजेश भैया नहीं आएगा, अरे पगली आज मेरे भैया की शादी है, भला अपनी शादी में वो नहीं आएगा, थोड़ा लेट भले ही हो जाए मगर मेरा भैया आता ही होगा। माँ घबरा मत, घबराने की कोई बात नहीं है, धैर्य बढ़ाती है बहन। तब तक देखती क्या है कि तब तक ले हाले राजेश वाली लसिया, अरे तब तक ले हाले राजेश वाली लसिया शिवमा के साथी गया जी पिया सया जी पिया देखा था सबके छाई खुशहाल बजे लगल बजाना या जब रंगदार करे बजे सब ही चला लया गवनिया। बारात में जाने वाले लोग सामने देखते हैं एक जीप आ रही है, उछल पड़ी माँ। मैं कह रही थी ना कि मेरा बेटा आता ही होगा, आप लोग तैयार हो जाइए, देखिए वो सामने जीप आ रही, मेरा राजेश जीप से आ रहा है। वाह वाह, गांव के लोग बारात में जाने वाले लोग कह के, अरे भैया हमारे देश का सिपाही आ रहा है, देश सेवा करके कम से कम थोड़ा अगवानी में तो चलिए। कुछ लोग अगवानी में चल दिए, लोगों को देखते हुए साथी जीप रोक दिया, रुक गई जीप। और करता क्या है कि तब तक साथी दिया लसिया निसारा सकल समाजिया होता तो होई गई बाबू ये कटा करा है लसिया निहार माई माई के करे जावा होता तो होई गई रोवेली बहिलिया करे जावा के फार। बाबूजी देखते हैं अपने इकलौते पुत्र की लाश काट हो गए, माँ देखती अपने बेटे की लाश, रो पड़ी उस लाश पे गिरकर, गले से लगाती है, बेटा आज तू दुल्हा बनने वाला था ना,
किस भेष में आया मेरे राजेश, गले से लगाती है, चूमती है। तब तक साथी कहता है कि माम, अरे माम, जाते समय अपने बेटे से यही कही थी ना कि मेरे बेटे मेरे दूध की लाज बचाना, क्या चाहिए तुझे? तेरा बेटा अकेले तेरे दुश्मनों को मार गिराया, दो टैंक तोड़ा, तेरे दूध की लाज बचा के गया है माँ। उस समय माँ अपने बेटे की लाश गले से लगाते हुए झटके में उठ जाती है, कहती गांव वालों, गांव वालों, कौन कहता है कि मेरा राजेश मर गया रे? मेरा राजेश तो अमर हो गया बेटा, मेरा राजेश तो अमर हो गया, गले से लगाती है। साथी तब तक देखा क्या, बाबूजी को धीरज बढ़ाया तब साथी, और राजेश रखल हो सनवा तोहार, बाबूजी आप भी रो रहे हैं, आपकी तो यही आखिरी ख्वाहिश थी कि बेटा लड़ते समय सीने में गोली खाना, शेरों की मौत मरना, आखिर आप कुछ पूछे नहीं मुझसे? देख लीजिए आपका बेटा लड़ते समय सीने में गोली खाया है, वो भी 7 गोली दुश्मनों की खाया है, लड़ते समय शेरों की मौत मरा है। इतना सुनते ही राजेश की बात आ गई। राजेश कहा था मेरे पिताजी को विश्वास न हो तो मेरी लाश से कफन हटा कर दिखा भी देना। देखें एक पिता अपने इकलौते पुत्र के लाश से कफन हटाकर ये देखने जा रहा है, वाकई मेरा बेटा शेरों की मौत मरा है। तो देखा क्या बढ़ादा, अरे बाबूजी निहारे, अब बाबूजी निहारे, कफन के तार की कह गई ना करके ना, गोली सिनावा में खाई के हो गई ना करके ना, लिए बेटे की लाश बना रहे हैं दुल्हा अपने बेटे को। कहे कि गांव वालों आज मेरे बेटे की शादी थी तो मैं चाहता हूं कि आज अपने बेटे को दुल्हा बना करके ही विदा करूंगा। किए क्या के लसिया को जो राजा मां दिए पहनाई, अब मथावा पे गई ले सहरावा बधाई, अरे डोलिया से डल का चमसावा कटाई के कह गई ना करके ना। डोली सजी, वो डोली नहीं मिली जिससे ससुराल जाना था, डोलिया सजल कांच बसवा, तुरंत संदेश गया ससुराल। तो हुआ क्या, के आई ससुराल से बुलाई के और लसिया निहारे तब बिरही भरना जारी ना, दुल्हन एक बात कहती है के करी के बिलाप, वहां दुल्हन तब बोली कहे जनली न दे बातू का फानी यही का चोली, अरे अंतिम मेरी जानम, अब अंतिम मेरी जानम, तैया सदिया रचाई के कह गई ला करके ना, अब गोली सिनेमा में खाए के रे गई ला करके ना। तो गुरु बिहारी गुरु रमल कै सजी कफन से बेचने आदम विश्वनाथ की, अब बल दबा दम बोली हाँ।